और इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। यहाँ के मांझेर घाट में एक फ्लाईओवर गिर गया है। मांझेर घाट फ्लाईओवर के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और इस फ्लाईओवर के नीचे कई गाड़ियां भी दबी हुई है। वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सुकांतो मुखर्जी इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुकांतो, क्या अपडेट है, जरा पहले ये बताइए। अभी तक जो खबर आ रही है, ये माझेघाट जो ब्रिज है, आधा घंटा पहले उसका जो रेल लाइन के ऊपर का जो पोर्शन है ये गिर चुका है। और इसके अभी तक जो न्यूज आ रही है, बहुत सारे लोग ये जो पोर्शन जिसका जो गिर गया है इसके नीचे वो लोग दबे हैं, ऐसा ही खबर आ रहा है। कोलकाता पुलिस फायर ब्रिगेड का तो जितना टीम है वो अभी स्पॉट पे पहुंची रहे हैं। माझेघाट ब्रिज को जाने के लिए जो डायमंड हार्बर रोड होता है अभी तक उसको पूरा ब्लॉकेट कर दिया है। कोलकाता पुलिस का जो उच्च स्तरीय ऑफिसर है वो लोग अभी सारे रास्ते में है और सारे लोग ऑन द स्पॉट पहुंचने की कोशिश के कगार पे हैं। दो साल पहले यहाँ पे एक घटना घटी थी, पोस्ता फ्लाईओवर जो गिर के 40 से भी ज्यादा आदमी मर गया था, वही जो घटना है वो भी फिर से सामने आ रहा है। ये माझेघाट ब्रिज के तौर पे कैसे ये ब्रिज यहाँ पे गिरा इसको लेके कुछ। सुकांतो, कितना पुराना ब्रिज है ये, क्योंकि दो साल पहले की घटना का आपने जिक्र किया, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली थी, कई ब्रिजेस का ऑडिट भी किया था, लेकिन एक बार फिर से ब्रिज गिरा है। कितना पुराना है ये ब्रिज जो गिरा है इस बार? देखिए, ये ब्रिज तो बहुत पुराना है और अभी आधा घंटा पहले ये घटना घटा था। रेल लाइन ऊपर का पोर्शन जो है पूरा ही ये दब गया है। अभी जो खबर आ रही है कि 20 से 25 आदमी इसके अंदर या इसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी तक मरने की कोई तादाद सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो अनऑफिशियली सोर्स से हम लोगों को ये खबर मिल रही है कि 7 से 8 आदमी अभी तक मर चुके हैं। बहुत सारा प्राइवेट कार जब इस ब्रिज से ऊपर जा रहे थे तभी ये घटना घटने की वजह से सभी इस जो पोर्शन है इसके अंदर दबे हैं। अभी जो ये घटना जो यहाँ पे घटा है बहुत जो है डर का माहौल है इस एरिया में और सारा जो सुकांतो बताएंगे, ये जो माझेर घाट ब्रिज गिरा है ये कोलकाता का कौन सा इलाका है और कैसा इलाका है? एक्चुअली ये बिहाला जाने वाला रास्ता है। डायमंड हार्बर रोड से थोड़ा आगे आप जाओगे तो वहाँ पे ये ब्रिज मिलता है और ये जो ब्रिज है यहाँ से लगे दिन हर बहुत सारे कई हजार के तादाद में गाड़ी यहाँ से गुजरती है। अभी जिस टाइम पे ये ब्रिज गिरने का समय बताया जा रहा है, ये समय बहुत क्रूशियल टाइम है क्योंकि ये ऑफिशियल टाइम होता है। अभी बिहाला ठाकुरपुकुर जो का ये सारा जो एरिया है, ये पूरा एरिया या साउथ 24 परगना जो एरिया है, कलकत्ता से इस एरिया में जाने वाला ये एक ही ब्रिज है और ये एक ही रास्ता है। तो फिर ये साढ़े चार बजे जब ये घटना घटा, 4:30 से 5 बजे, तो ऐसा मानना ही पड़ता है कि इस टाइम पे ये बहुत सारा भीड़ था और कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। अब स्थानीय लोकल ठीक है सुकांतो लोगों को बता रहे थे कि कुछ लाइटनिंग इसके पहले गिरा था इसके वजह से ये घटना। तो फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस ब्रिज के नीचे उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। कोलकाता में फ्लाईओवर गिर गया है जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मांझेर घाट फ्लाईओवर है ये जो कोलकाता में गिरा है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पूरी खबर पर अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। सुकांत, तो फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। आज रुपया अपने सबसे निचले स्तर 71.58 रुपए पर बंद हुआ और ये रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 71.28 रुपए पर खुला था। इस साल रुपए में लगातार कमजोरी देखी गई है। रुपया इस साल अब तक 10% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचाई पर रहने की वजह से डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का भी असर फॉरेक्स मार्केट पर दिखा है और तुर्की में आर्थिक संकट ने भी रुपए पर दबाव डाला है।